वालेकुम दोस्तों मेरा नाम डॉक्टर लियसगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड बाय कास्टनर कैलनर सेल कास्टनर कैलर सेल की मदद से हम आज की इस वीडियो में सीखने जा रहे हैं मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एज़ यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब आप तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करता तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके तो आइए हम पहले स्टार्ट करते हैं कास्टनर कैनलर सेल के इंट्रोडक्शन को सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसका कास्टर्न केलनर सेल में हम सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रिपेयर करने जा रहे हैं इज अ हाईली वर्सेटाइल एंड वाइडली यूज केमिकल कंपाउंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है कई चीज़ों में इस्तेमाल होता है बहुत वर्सटाइल का मतलब कई चीज़ों में इस्तेमाल होने वाला इट इज़ कॉमनली नोन एज कास्टिक सोडा ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू कॉज बर्न्स एंड डैमेज टिश्यू सीवियरली इसको कॉस्टिक सोडा इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसकी सालाहियत है कि ये अगर किसी की स्किन पे गिर जाए तो ये बर्न्स कर सकता है उसको जला सकता डेमेज टिशू सी टिश्यू को बहुत बुरी तरीके से क्या कर सकता है कॉस्टिक सोडा इज मैनुफेक्चर सेल कास्टिक सोडा को हम इलेक्ट्रोलैटिक प्रोसेस के जरिए प्रिपेयर करने जाएंगे आज की इस वीडियो में और उसके लिए एक स्पेशली डिजाइन सेल होता है और सेल का नाम है कास्नर कैलर सेल तो इस लेक्चर को अपनी तवज्जो के साथ सुनना है क्योंकि इस लेक्चर के एंड में आपसे पूछे जाएंगे कुछ जरूरी सवाल अगर आपने लेक्चर तवज्जो के साथ सुना होगा तो उन तमाम सवालत के जवाब आप फर्स्ट गो में बिल्कुल सही दे सकेंगे तो हम बात करते हैं कास्नर कैल्लर सेल के हवाले से तो कास्नर कैल्लर सेल की अगर हम बात करते हैं कास्नर कैल्नर सेल में हमारे पास जो है वो दो चैम्बर होते हैं अपर चैम्बर और लोअर चैम्बर इस चैम्बर के अंदर हमें डालना है सोडियम क्लोराइड यानी एन का हमें क्या है? करना है सोलूशन दाखिल करना है और इस चैम्बर के अंदर हमारे पास जो दो पार्ट है ना एक अपर चैम्बर और एक क्या है लोअर चैम्बर अपर चैम्बर में हमने सोडियम क्लोराइड का सोलूशन दाखिल कर दिया इसमें एनोड के तौर पर आपको मालूम है जो हिस्सा बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट होता है वो एनोड कहलाता है और जो हिस्सा बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट होता वो है वो कहलाता है कैथोड एनोड से हमने कनेक्ट किया है टाइटेनियम की रोड्स को और कैथोड से हमने कनेक्ट किया है मरकरी आपको मालूम है मरकरी वो मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में होता है मरकरी से हमने इसको कनेक्ट किया सोडियम क्लोराइड का हमने सोल्यूशन इसमें दाखिल किया अब फ्रेश सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन यहाँ से दाखिल होगा और वो जो यूज़ हो जाएगा वो यहाँ से क्या होगा रिमूव होगा अब जो है वो इसमें क्या होगा इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस होगा इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस होते ही क्या होगा आगे हम डिस्कस करेंगे लेकिन मरकरी जो है वो फिर यहाँ इसमें जो है वो दाखिल होगा नेक्स्ट चैम्बर में आ जाएगा और उस नेक्स्ट नेक्स्ट चैम्बर में हमने यहाँ इसको दाखिल किया नेक्स्ट चैम्बर में क्या प्रोसेस होगा वो भी डिस्कस करेंगे फिर ये मरकरी जो होता है इसमें यहाँ हमारे पास ये पाइप के थ्रू नीचे आ जाएगा पंप के जरिए क्या होगा दोबारा ऊपर आएगा ये स्ट्रक्चर है आइए अब क्या प्रोसेस होने जा रहे हैं तो हमने कहा द सेल कंसिस्ट ऑफ एन अपर रेक्टेंगुलर वेसल अपर जो है वो एक है है या वेसल एंड अ लोअर पाइप लाइक पोर्शन और लोअर वाला हिस्सा जो होगा वो पाइप की तरह है ये रेक्टेंगुलर है और ये क्या है बाकायदा ये पाइप की तरह जो है वो लोअर हिस्सा बना हुआ है इन द अपर पार्ट इन द अपर पार्ट अपर पार्ट की अगर हम बात करने जा रहे हैं देयर आर टाइटेनियम ब्लॉक्स

द लोअर सेक्शन इज फिल्ड विद मरकरी सर्कुलेट कॉन्स्टेंटली विद द हेल्प ऑफ अ पंप एंड सर्व एस कैथोड और इसका जो निचला हिस्सा है जिसमें मैंने यहाँ डायग्राम से कलर से आपको बताया यहाँ ये यह ब्लू से बना हुआ है उसमें क्या है मरकरी और ये मरकरी जो है वो लोअर हिस्सा जो है वो मरकरी का है और ये क्या करेगा ये मुसलसल क्या करता जाएगा और ये कैथोड के तौर पे काम करेगा और ये पंप के जरिए जो है वो मुसलसल क्या करता रहता है मरकरी सर्कुलेट करता जाएगा तो हमने कहा द कहावर सेक्शन इज फिल्ड विद मर्क विच सर्कुलेट कॉन्स्टेंटली पंप एंड कैथोड कैथोड के तौर पे काम करेगा द अपर पार्ट ऑफ द सेल इज कनेक्टेड टू द लोअर बाय अ ग्रेफाइट मेड चेंबर नोन एज वेयर सेपरेशन ऑफ सोडियम फ्रॉम अमलगम टेक प्लेस अब जो वो क्या होगा जो ऊपर वाला जो हिस्सा है अपर चेंबर जो है वो लोअर चेंबर के साथ जो है वो कनेक्ट होगा जो कि ग्रेफाइट मेड है इस पूरे हिस्से को हम नाम देते हैं डेन्यूडर डेन्यूडर जो है ये क्या काम करेगा मरकरी जो आएगा ना गोसा मरकरी के साथ सोडियम आएगा आगे कैसे आएगा हम बात करेंगे मर्करी के साथ जैसे ही सोडियम आएगा ये मरकरी और सोडियम को सेपरेट करने का काम का करेगा क्या करेगा मरकरी और सोडियम को सेपरेट करने का ये काम करेगा बाकायदा एम सी में आता भी है कि कास्टनर कैलर सेल में वो कौन सा हिस्सा होता है जो मरकरी और सोडियम को अलग करता है तो आपका आंसर होगा इस पार्ट का नाम तो यहाँ हमने कहा कि ये बाकायदा जो है वो सेपरेट करने का काम का का करेगा और ये अमल गम क्या कहलाता है अमल गम जो होता है वो सोडियम और मरकरी जो कंबाइन हो जाता है ना अभी हम इलेक्ट्रोलाइसिस में बात करेंगे उसके लिए अमल गम का वर्ड यूज होता है ये तो स्ट्रक्चर था आइए इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस की बात करेंगे द एक्वस सोलूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इन द अपर पोर्शन कंसिस्ट ऑफ मेनली सोडियम आइंस एंड क्लोराइड आइन आपको मालूम है कि नमक को पानी के अंदर डिजोल्व कर लो तो उस पार्ट के अंदर क्या होगा सोडियम और क्लोराइड आइंस मौजूद होंगे अब इलेक्ट्रिक सिटी हम गुजारेंगे इलेक्ट्रिक सिटी हम गुजारेंगे सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज है क्लोराइड के ऊपर क्या है नेगेटिव है तो क्लोराइड जो होगा वो टाइटेनियम रोड के पास आ जाएगा क्योंकि क्लोराइड के ऊपर नेगेटिव है ना क्लोराइड जो है वो टाइटेनियम रोड के पास आ जाएगा और जो सोडियम जिसके ऊपर प्लस चार्ज है वो किसके पास आ जाएगा मर्करी के पास आ जाएगा जो कि कैथोड के तौर पर क्या कर रहा है काम कर रहा है तो हमने कहा सोडियम और क्लोराइड आइन है ऑन पासिंग इलेक्ट्रिकसिटी थ्रू द सेल क्लोराइड आइन्स माइग्रेटेड टूवर्ड्स टाइटेनियम रोड टाइटेनियम जो एनोड के पास चले जाएंगे वी दे गेट ऑक्सीडाइज ऑक्सीडाइज का मतलब यह होगा अपना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन टाइटेनियम को दे देगा भाई क्लोराइड के ऊपर नेगेटिव था ना नेगेटिव का मतलब क्या है एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा तो ये क्या करेंगे तमाम इलेक्ट्रिकसिटी जैसे ही गुजारेंगे सबके सब जो है वो टाइटेनियम के पास जाएंगे और अपने अपने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे देंगे और क्लोरीन गैस की शक्ल में क्या हो जाएंगे क्लोरीन गैस की शक्ल में यहाँ से इस अपर चेंबर से क्लोरीन गैस की शक्ल में ये निकल जाएंगे और अगर ये पाइप ना बनाते तो धमाके से हमारा कास्टनर सेल क्या हो जाता फट जाता ब्लास्ट हो जाता तो इसीलिए हमें मालूम है इलेक्ट्रिकसिटी गुजारेंगे यहाँ से क्या होगी बड़े पैमाने पर गैस प्रोड्यूस होगी और वो गैस कौन सी होगी क्लोरीन गैस प्रोड्यूस होगी तो ये क्लोरीन गैस की शक्ल में होगा द क्लोरीन गैस टे प्रोसेस इज कलेक्टेड एज अट क्लोरीन गैस जो होगी इसमें प्रोड्यूस होगी और यह बाई प्रोडक्ट देखो मेन चीज तो हम सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने जा रहे थे ना, लेकिन हमें फायदा गैस भी हमारे काम की है तो क्लोरीन गैस हमें एक एक्स्ट्रा बाई प्रोडक्ट के तौर पर क्या हो रही है प्रोड्यूस हो रही है और उसको भी हम क्या कर लेंगे कलेक्ट करेंगे सोडियम आइंस ऑन द अदर हैंड डिस्चार्ज ओवर मर्क सरफेस वेयर एंड अमल गम सोडियम एंड मरकरी एलोई इज फॉर्म अब देखो क्या था भाई मरकरी तो क्लोरीन तो टाइटेनियम रोड के पास गई ऑक्सीडेशन हुई गैस की शक्ल में क्या हो गया गे? क्लोरीन गैस बात सोडियम जो है वो कहाँ गया मरकरी के पास मरकरी के साथ जुड़ गया और मरकरी और सोडियम का जो एलोई होता है दो मेटल है ना दो मेटल जब आपस में कंबाइन होते हैं उसके लिए एलोई का वर्ड यूज होता है तो यहाँ जो एलोई बनता है उसके लिए वर्ड यूज होता है अमल और ये अमल की शक्ल में क्या होगा अमल की शक्ल में जो है ये सोडियम जो है वो कहाँ आ जाएगा नीचे की तरफ आ जाएगा तो यहां हमने इसमें कहा सोडियम आइंस ऑन द अदर हैंड डिस्चार्ज ओवर मरकरी सरफेस मरकरी सरफेस पे जाएगा वी एन अमल गम सोडियम और मरकरी की बात हो रही है इस फॉर्म अब सोडियम वहां मरकरी के पास गया इसके बाद दो इलेक्ट्रॉन कम थे ना इलेक्ट्रॉन कम थे तो मरकरी ने उसको इलेक्ट्रॉन दे दिया न्यूट्रल हो गया अब यह मरकरी और सोडियम जाकर क्या होगा आपस में जुड़ गया और अमलगम बन गया अब ये अमलगम जो है अमलगम जो है वो कहाँ गया डेन्यूडर के पास आया डेन्यूडर क्या करेगा अमलगम इज देन सेंड टू डेन्यूडियम वी आर सोडियम रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड अब जैसे ही अमलगम आया ना अमलगम आया यहाँ से हमने तीसरी से पानी डाला तेजी से जैसे ही पानी हमने डाला तो सोडियम जो होता है वह पानी के साथ रिएक्ट करता है मरकरी पानी के साथ रिएक्ट मरकरी पानी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा और वैसे भी मरकरी की डेंसिटी बहुत हाई होती है तो सोडियम और पानी आपस में रिएक्ट करते हैं ये सारा ऊपर रहता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और ये जो मरकरी होता है उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है या इस तरह से कहाँ चले जाता है नीचे की तरफ जाएगा तो हमने कहा अमल गम इज देन सेंट टू डेडर वी आर सोडियम रिएक्ट विद वाटर वहां पानी बहुत सारा छोड़ा जाएगा टू तो फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा अब देखो सुम अलमलगम है पानी है सोडियम हाइड्रोक्साइड बना हाइड्रोजन गैस अब यहाँ हाइड्रोजन गैस के लिए रास्ता होगा वरना हमारा कास्ट नल क्या हो जाएगा ब्लास्ट हो जाएगा धमाके सुड़ जाएगा तो यहाँ गैस के लिए हमने क्या किया हुआ रास्ता छोड़ा हुआ हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकलेगी सोडियम हाइड्रोक्साइड जो बना है उसको हम यहाँ से निकालेंगे मरकरी जो बच जाएगी वो नीचे आ जाएगी तो यहाँ हमने कहा सोडियम हाइड्रोक्साइड बना हाइड्रोजन गैस की शक्ल में निकला और मरकरी जो है वो नीचे चले जाएगा द मरकरी इज रिसाइकिल मरकरी दोबारा यूज हो जाएगा टू डिजोल्व मोर सोडियम एंड द सोडियम हाइड्रोक्साइड इज कलेक्टेड फॉर मार्केटिंग और सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम मार्केटिंग के लिए यानी बेचने के लिए हम तैयार कर सकते हैं फिर यहाँ जैसे ही नीचे आया पंप के जरिए हमने मरकरी को क्या किया दोबारा ऊपर की तरफ भेज दिया और ये प्रोसेस चलता रहेगा अब इस प्रोसेस का एक एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है भाई क्या एडवांटेज है कि भाई कास्टनर कास्नर सेल ही क्यों कास्नर कैलर सेल ही क्यों तो कंपेयर विद अदर प्रोसेसेस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कास्टिक सोडा कास्टिक सोडा के और मेथड भी हैं लेकिन कास्टर कैलर का क्या फ़ायदा है द कास्नर कैलनर प्रोसेस इज मोर प्रिफरेबल कास्नर कैलर प्रोसेस को ज़्यादा हम अहमियत देते हैं बिकॉज द टू प्रोडक्ट ऑफ द प्रोसेस सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड क्लोरीन आर ऑप्टेन इन सेपरेट पोर्शन ऑफ द सेल विच प्रिवेंट्स नेम टू रिएक्ट विद ईच अदर दूसरे मेथड में क्या होता था कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जब हम प्रिपेयर करते हैं तो क्लोरीन भी साथ साथ बन हुई होती है सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बन रहा होता है तो दोनों मिक्सअप हो जाते हैं बहुत सारी एनर्जी बहुत सारा हमारा मटेरियल वेस्ट होता है लेकिन अब यहाँ फ़ायदा देखो क्या क्लोरीन अलग चेंबर में बन रही है सोडियम हाइड्रोक्साइड अलग चेंबर में बन रहा है लिहाजा इन दोनों के मिक्स होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता क्लोरीन को भी हम बाई प्रोडक्ट जो एक्स्ट्रा था उसको भी हम सेल करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड को भी हम क्या करेंगे सेल करेंगे यानी मुनाफा हमें ज़्यादा अच्छा खासा होगा तो यहाँ हमने कहा कि भाई ये दोनों मिक्स नहीं होते, लिहाजा इसीलिए कास्टन केलनर सेल को प्रेफरेंस दी जाती है डिसएडवांटेज क्या है स्पाइट ऑफ स्ट्रिक्ट कंट्रोल सम मर्करी वेपर्स एस्केप फ्रॉम द कंट्री फैक्ट्री अब देखो मसला ये कि इस फैक्ट्री में हमें बड़ी एहतियात रखनी होती है कि भाई मरकरी के जो वेपर्स होते हैं ना छोटे छोटे ये फैक्ट्री से बाहर ना निकले लेकिन बहुत ज़्यादा कंट्रोल के बावजूद भी मरकरी के कुछ वेपर्स जो होते हैं वो बाहर निकलते हैं दिस मरकरी कंटेमिनेट सी वाटर ये सी वाटर को कंटेमिनेट करेगा एज अ रिजल्ट मरकरी बिकम पार्ट्स ऑफ टिश्यू ऑफ मैरिन एनिमल्स एंड प्लांट एंड दस पोल्यूट्स द फ्रूट चेन तो ये मरकरी जो है वो समंदर के पानी में फाइनली जब जाता है तो समंदर में रहने वाले पौधे और जानवरों की बॉडी का हिस्सा बनता है और यही जब एनिमल्स यही फिशज जब हम खाते हैं तो हमें भी इनडायरेक्ट क्या होता है नुकसान पहुँचता है पूरी फूड चेन को क्या होता है इस मरकरी से क्या होता है नुकसान होता है तो ये थे हमारा आज का ये लेक्चर कास्नर केल सेल अब मैं आपसे पूछता हूँ इस लेक्चर के हवाले से कुछ सवाल सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ऑल्सो नोन है सोडियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा नाम बताएं इन इनकासनर केलनर सेल मर्करी एक्टेस मर्करी किसके तौर पे काम करता है इनकास्नर केलनर सेल टाइटेनियम रोड एक्टेस टाइटेनियम रोड किसके तौर पे काम करता है इन रोड के थ्री ये बताना होता है सेपरेशन ऑफ सोडियम अकर फ्रॉम विच पार्ट ऑफ कास्टनर केलनर सेल कास्टनर केलनर सेल के किस पार्ट में सोडियम और मर्करी दोनों आपस में सेपरेट होते हैं कमर्शियली सोडियम हाइड्रोक्साइड इज प्रिपेयर बाय डिश प्रोसेस वो कौन सा प्रोसेस होता है जिसके जरिए कमर्शियली हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को प्रिपेयर करते हैं तो उम्मीद करते हैं आज का ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव होगा थैंक यू वेरी मच अल्लाह